गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी पर। मैं हूं आपका मेंटर एंड कोच राजा राज्यवर्धन और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन पेपर और जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक ज्योग्राफी ठीक है इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। एक बार जल्दी से देखते हैं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जो क्या क्या फायदे हैं। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से आपको मिलती हैं असीमित लाइव क्लासेस, यहाँ पर टेस्ट सीरीज और रेगुलर क्विजेस होते हैं और आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलती हैं सभी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की और एजुकेटर आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं। आप कहीं से भी असीमित लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। वीकली क्विजेज आपके होते हैं जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी होती रहती है और आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। और मेन चीज है डाउट क्लियरिंग सेशन। प्लस कोर्स में आपको अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं जिसमें आप अपने एजुकेटर के साथ अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और प्लस कोर्स में एजुकेटर नए नए तरीके लाते रहते हैं आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। और हर क्लास के बाद आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है यूपीएससी पैटर्न पर और आपको मिलता है सही मार्गदर्शन जिससे आपको परीक्षा में सफलता जरूर मिलती है। तो लर्निंग ऐप डाउनलोड आप कीजिए प्ले स्टोर से और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन के बाद आप प्लस सेक्शन में जाएंगे और यूपीएससी सीएससी कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है और फिर वहां से सब्सक्रिप्शन ले लेना है। अगर आप 2021 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं, 2021 का आपको अटेम्प्ट देना है, तो आप एक साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसकी फीस है 44,000 रुपये। और अगर आप 2022 का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आप उसके लिए 2 साल का कोर्स ले सकते हैं जिसकी फीस है 64,000 रुपये। आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे राजा RAJA, सिंपल सा कोड है ठीक है, इसका इस्तेमाल आपको करना है और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट मिलने के बाद आपकी एक साल की फीस 39,600 हो जाएगी और 2 साल की फीस आपकी हो जाएगी 57,600। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और कल हमने पेपर को डिस्कस किया था और ये पेपर अगर कंपेयर हम इसको करें तो 2018-2019 से ओवरऑल ये पेपर टफ है ओके। और हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो पूछे गए हैं एनवायरमेंट ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक से। और इन 30 क्वेश्चंस का हमने ब्रेकअप किया तो 14 क्वेश्चन है साइंस एंड टेक से और 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी से। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि एक क्वेश्चन को हम किन क्राइटेरिया पे बोलेंगे कि कोई क्वेश्चन टफ है ठीक है। कोई भी क्वेश्चन टफ है उसको हम डिसाइड करते हैं कि क्या वो स्टैंडर्ड सोर्सेज से पूछा गया है, स्टैंडर्ड बुक से पूछा गया है, क्या वो करंट अफेयर्स में था। और कई बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से होती है, ऑप्शंस इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को भी हम टफ रेट करेंगे। और कई बार यूपीएससी एम्बिगुअस लैंग्वेज को यूज करती है। कल हमने इस तरह के कुछ एग्जाम्पल देखे थे जहां पे ऑप्शंस की वजह से क्वेश्चन टफ हो गया और जहां पे एम्बिगुअस लैंग्वेज को यूज किया और वो क्वेश्चन टफ हो गया ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताता चल रहा था। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की हमने बात की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन था। तो इसके अंदर स्टेटमेंट में पूछा हुआ है इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर वैसे तो सारे ही ऑप्शन पॉसिबल है, ये सभी कुछ स्कोप में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब करंटली इस टेक्नोलॉजी का यूज हम किस किस चीज में कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 ऑप्शन हमको हटाने पड़ेंगे, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5। उसके बाद जो हमारे पास आंसर बचेगा वो बचेगा 1, 3 और 4। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें, ये सारी ही चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कोप में है ओके। तो इस तरह यहाँ पे एम्बिगुअस लैंग्वेज का यूज हुआ है, इसका आंसर 1, 3 और 4 भी हो सकता है, इसका आंसर 1, 2, 3, 4 और 5 भी हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इन सभी चीजों में हो सकता है। लेकिन क्या करंटली हो रहा है, तो ये इन 2 के लिए करंटली इसका यूज नहीं हो रहा है ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कोशिश कर रहे हैं इन सब चीजों को भी अचीव करने में। तो ये सब क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे। और सबसे पहला क्वेश्चन था बायोटेक्नोलॉजी से, जिसके अंदर बात हुई थी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर वो दूसरा नाम है 3-पेरेंट बेबी का। तो 3-पेरेंट बेबी को भी हमने कल डिस्कस किया। तो कल हम इस वाले क्वेश्चन पे थे। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चंस ऑप्शन की वजह से टफ हो गया। जैसे मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर जो है इंडो चाइना के अंदर फ्लो करती है,
इंडो चाइना बेसिकली ये इंडिया वाला पोर्शन और ये पूरा इंडो चाइना का पोर्शन है, जिसके अंदर म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, ये सारे कंट्रीज आते हैं, वो है इंडो चाइना। तो मेकोंग रिवर चाइना से टिबेतन प्लेटू से अराइज करके ये गिरती है साउथ चाइना सी में। ठीक है, मेकोंग रिवर और अंडमान सी कहाँ पे, अंडमान सी यहाँ पे है। तो मेकोंग रिवर अंडमान सी में नहीं गिरती है, ये स्टेटमेंट, ये जो मैचिंग थी यहाँ पे गलत थी। फिर हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि थेम्स नदी ये गिरती है आयरिश सी में। अगर हम इंग्लैंड का मैप देखेंगे तो यहाँ पे है आयरिश सी और यहाँ पे है नॉर्थ सी, तो थेम्स गिरती है नॉर्थ सी में। तो दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, दूसरी मैचिंग भी यहाँ पे गलत हो रखी है। अगर हम अब ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन वन एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी भी इससे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रह गए दो ऑप्शन, तो यानी कि वोल्गा तो कैस्पियन सी में ही गिरते हैं, क्योंकि आंसर या तो होना है ऑप्शन बी या होना है ऑप्शन सी। तो फाइनली आप इसी चीज पे आके अटक जाएंगे कि जैम्बेजी नदी ये इंडियन ओशन में गिरती है या नहीं गिरती है। अगर आपको जैम्बेजी की लोकेशन नहीं पता है अफ्रीका के अंदर, ठीक है, अफ्रीका के अंदर आपको जैम्बेजी, ठीक है, जैम्बिया की लोकेशन नहीं पता है, तो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये ऑप्शंस की वजह से ये क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन इजी नहीं है। तो रिवर जैम्बेजी ये इंडियन ओशन के अंदर ही गिरती है और इसका करेक्ट आंसर होगा 3 और 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड सोर्सेज से नहीं है, ठीक है, इंडियन एलिफेंट के बारे में, इंडियन एलिफेंट के बारे में ये सब जो चीजें हैं ये आपको स्टैंडर्ड चीज, स्टैंडर्ड सोर्सेज में ये सब नहीं मिलेगा। तो एक तरह से जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जो बच्चे जिनका वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है वो नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी देखते होंगे तो उनको शायद इसका आंसर पता हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट ये जनरल स्टेटमेंट है, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। तो ये स्टेटमेंट सही है, एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसकी लीडर एक फीमेल ही होती है, सबसे बड़ा जो एलिफेंट होता है वही उसका लीडर होता है और वो फीमेल होता है। ओके, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, क्योंकि केरला के अंदर लॉकडाउन से पहले आपको ध्यान हो तो एक एलिफेंट की डेथ हुई थी, क्योंकि उसको पाइनएप्पल के साथ एक्सप्लोसिव्स मिला के उसको खिला दिए गए थे और उन एक्सप्लोसिव्स की वजह से, पटाखों की वजह से एलिफेंट की डेथ हो गई थी और वो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी। तो दूसरी स्टेटमेंट है, जो मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड है एलिफेंट के लिए वो 22 महीने है। जेस्टेशन पीरियड मतलब जो जिस टाइम के लिए जो बेबी होता है वो डेवलप करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे ह्यूमन के अंदर ये पीरियड है 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ का जो टाइम है वो बेबी को डेवलप करने के लिए चाहिए। अब एलिफेंट के केस में यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड वो 22 महीने है, ठीक है, और ये पूछा है विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट मतलब एशियन एलिफेंट। अगर हम अफ्रीकन एलिफेंट की बात करेंगे, जो अफ्रीकन सवाना में मिलता है अफ्रीकन एलिफेंट, उसका जेस्टेशन पीरियड 22 महीने होता है, और जो एशियन एलिफेंट है उसका जेस्टेशन पीरियड होता है 18 से 22 महीने। एशियन एलिफेंट के अगर हम साइज को कंपेयर करेंगे अफ्रीकन एलिफेंट से तो एशियन एलिफेंट का साइज उनसे कम होता है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है एशियन एलिफेंट के लिए जेस्टेशन पीरियड कितना है, 18 से 22 महीने, और यहाँ पे यही दिया हुआ है कि मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड जो है इंडियन टाइप ऑफ एलिफेंट के लिए वो 22 महीने है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। अब हम देखते हैं 1 और 2 किस किस में है। 1 और 2 ऑप्शन 1 के अंदर है और 1 और 2 बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की फ्रेमिंग थोड़ी इजी हुई है। अगर जिस बच्चे को ये दो चीजें पता होंगी तो उसके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। अब थर्ड स्टेटमेंट, एक बार थर्ड स्टेटमेंट को भी देखते हैं। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स, मतलब किस एज तक एलिफेंट जो है वो बच्चे दे सकते हैं, थर्ड स्टेटमेंट उसके बारे में है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 40 साल तक ही एलिफेंट को बेबीज हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि एलिफेंट 40 प्लस की एज में भी, अप टू 40 और 50 के बीच में भी वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ओके, और एक एलिफेंट रफली अपने जो लाइफ टाइम है उसमें वो 4 बेबीज प्रोड्यूस करता है, 4 से ज्यादा कोई भी एलिफेंट, ठीक है, वो बेबीज प्रोड्यूस नहीं करता अपने पूरे लाइफ टाइम में। और लास्ट स्टेटमेंट है, अमंग द स्टेट्स इन इंडिया हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट है कर्नाटका में, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स हैं कर्नाटका में। तो यहाँ पे ये एक तरह से टफ क्वेश्चन है, जेस्टेशन पीरियड कौन याद रखता है एनिमल्स का,
और यहाँ पे देखें कि किस एज तक वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो ये डेटा भी कोई भी याद नहीं रखता और ये स्टैंडर्ड सोर्सेज में भी नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है। अगर किसी को पहले दो स्टेटमेंट पता होंगी तो वो फिर भी करेक्ट आंसर तक पहुंच सकता है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन टफ ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज दे आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज की बात हुई है और इन्होंने पूछ लिया कि कावेरी बेसिन के अंदर इनमें से कौन कौन सा आएगा। तो जनरली जब हम नेशनल पार्क वगैरह याद करते हैं, हम उनकी लोकेशन याद रखते हैं, और इस तरह से तो हम नहीं याद करते कि कौन सी रिवर बेसिन के अंदर कौन कौन सा नेशनल पार्क पड़ेगा। तो इस तरीके से हर साल यूपीएससी नए नए इनोवेशन करती है स्टूडेंट को झटका देने के लिए। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, अगर आपको पापीकोंडा नेशनल पार्क की लोकेशन पता है तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है और ये कावेरी बेसिन में नहीं है। तो ऑप्शन टू यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन ही बचेंगे, 3 और 4 और 1, 3 और 4। अब नगरहोल नेशनल पार्क ये है कर्नाटक में, ठीक है, ये कर्नाटका में है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाकी तीनों, ठीक है, 1, 3 और 4, ये सभी कावेरी बेसिन के अंदर है। और कावेरी कौन कौन से स्टेट को कवर करती है, कावेरी कर्नाटक का मेजर पोर्शन कवर करती है, थोड़ा सा केरला का और तमिलनाडु का। तो ये तीनों ही करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन भी ये मॉडरेट मॉडरेट और टफ, मॉडरेट टू टफ ये क्वेश्चन कहा जाएगा। तो इस साल जो टफ क्वेश्चंस है उनकी तादाद थोड़ी ज्यादा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ लास्ट ईयर से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होने वाली, ठीक है, लास्ट ईयर से कम होगी नहीं होगी ये हम कह नहीं सकते। तो अभी तक जितने हमने स्टूडेंट से बात की है, जो हमने सर्वे किया है, तो 100+ स्कोर करने वाले ये काफी कम है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं 95 to 100 के बीच में, ठीक है, 95 to 100 के बीच में काफी स्कोर कर रहे हैं और इतने ही बच्चे 90 to 95 की रेंज में है। तो अगर आप इस रेंज के अंदर हैं तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, मेंस के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली कट ऑफ प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते क्या कट ऑफ निकलेगी, ज्यादा उसमें ध्यान मत लगाइए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आया है विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सीलोन फ्रॉगमाउथ, कोपरस्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं। अब ये पूछा है कि ये सब किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये सब किससे रिलेटेड है, ये सब ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ये सभी बर्ड्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी टफ है, या तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा और यहाँ पे तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप कोई तुक्केबाजी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following protected areas is well known for the conservation of a subspecies of the Indian swamp deer, Barasingha, that thrives well on hard ground and is exclusively graminivorous? Graminivorous का मीनिंग है जो ग्रास के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ ग्रास के ऊपर डिपेंड करता है बारासिंगा, तो ये graminivorous being है। अब काना नेशनल पार्क पहले न्यूज में रहा है, पिछले 2-3 साल से न्यूज में रहा है, और कान्हा नेशनल पार्क का जो मैस्कोट है वो है बारासिंगा, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क का जो मैस्कोट है वो है बारासिंगा और ये न्यूज के अंदर भी था। तो इसका करेक्ट आंसर है कान्हा नेशनल पार्क। और जो न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ता है उसके लिए, उस बच्चे के लिए ये क्वेश्चन आसान होगा, और जो सिर्फ टेस्ट सीरीज पर रिलाई जिसने किया है तो उसके लिए क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन जो रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करता है रिलीजियसली तो उसके लिए ये क्वेश्चन आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ये क्वेश्चन भी टफ है, अगर आपको मस्क डियर के बारे में पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आपको डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उनकी लोकेशन पता है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी यहाँ पर टफ है। ओके, तो जो यूपीएससी का प्यार है, यूपीएससी का प्यार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, वो इस साल भी बना हुआ है और पिछले कुछ सालों से ये ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस जो भी फौना है एनिमल स्पीशीज, तो इससे रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं और इस साल भी क्वेश्चन आए हैं और ये सभी क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ हैं। तो मस्क डियर की अगर हम बात करें, मस्क डियर एक अल्पाइन स्पीशीज, पेपर में ही सारे सब्जेक्ट मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ बिल्कुल, जीएस पेपर वन के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें सारे क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट,
इकोनॉमी, तो सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं और टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें न्यूज में रहती हैं, और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ये रिलेटेड है डिजिटल सिक्योरिटी से, हमारे मैसेजेस को एनक्रिप्ट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल मैसेजेस हैं। मेंस, अबुल कासिम पूछ रहे हैं कि सर मेंस कब है। मेंस है आपका जनवरी में, और अभी से जो है 3 महीने का ही टाइम बचा है, ठीक है। मेंस के लिए, मेंस के लिए 3 महीने अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम है, तो हम ज्यादा कट ऑफ के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते अभी। और जिन भी बच्चों के 90+ मार्क्स बन रहे हैं, तो जिनके भी 90+ मार्क्स बन रहे हैं, उनको मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ओके। तो ज्यादा कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है, जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन 90+ पे ये हम कह सकते हैं आपके चांसेस हैं, आप बॉर्डर पर हैं और आपके चांसेस हैं। और जो बच्चा 100+ स्कोर कर रहा है, जो बच्चा 100+ यहाँ पे स्कोर कर रहा है, उसको डेफिनेटली मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए और कट ऑफ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कार्बन नैनो ट्यूब से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी से, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब पहली स्टेटमेंट कह रही है, दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में बता देता हूँ। देखो, कार्बन नैनो ट्यूब के अंदर, ये कार्बन नैनो ट्यूब का डायग्राम है, और बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ग्राफीन है, ग्राफीन एटम्स की एक सिंगल लेयर, ठीक है। हमने एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया ग्राफीन का, जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम है। तो ग्राफीन का जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम रोल कर देंगे, सिंगल एटम की एक लेयर बनी हुई है बेसिकली, जो बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच है, तो इस लेयर को जब आप रोल कर दोगे तो बनेगी ये कार्बन नैनो ट्यूब। और इसकी थिकनेस कितनी होती है, जो डायमीटर इसका है, इसका डायमीटर होगा 10 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है। 1 to 10 नैनोमीटर की एक कार्बन नैनो ट्यूब होती है। कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, ये है सिलिंड्रिकल मॉलिक्यूल्स डेट कंसिस्ट ऑफ रोल्ड अप शीट्स ऑफ सिंगल लेयर कार्बन एटम, यानी कि ग्राफीन, जो सिंगल लेयर कार्बन एटम्स हैं उसकी एक शीट बना रखी है, और उसको रोल अप करके हमने बनाया है कार्बन नैनो ट्यूब, और जिसकी डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, ओके। ये लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, और ये काफी लाइट वेट है, स्टील से 6 गुना कम इनका वेट है, और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से 400 गुना ज्यादा है, ये स्टील से 400 गुना ज्यादा मजबूत है। अब इन कार्बन नैनो ट्यूब्स का, इनका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी होता है, इनका एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी में भी होता है, ठीक है, और इनका एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को स्पेसिफिक गैजेट्स बनाने में, इन सब में होता है। अबुल कासिम, हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 30-32 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन आए हैं एनवायरमेंट सेक्शन से, जो क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्स, तो इसके अंदर ज्योग्राफी के कुछ 3-4 क्वेश्चन ही होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, और बाकी 25 क्वेश्चन है एनवायरमेंट से और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। क्योंकि मैं आपके लिए एनवायरमेंट का कोर्स लेके आया हूँ, तो इसीलिए मैं साइंस टेक एनवायरमेंट और ज्योग्राफी इनको डिस्कस कर रहा हूँ, और अगर आपकी डिमांड होगी तो हम बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और मेरा जो अनअकैडमी प्रोफाइल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे कोड का इस्तेमाल करके, RAGA राजा, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब वापिस से आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे। तो कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी। तो मैंने बताया था कि कार्बन नैनो ट्यूब को बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं, और कैसे करते हैं, इनकी थिकनेस है नैनोमीटर, और नैनोमीटर की डायमेंशन 1 नैनोमीटर के अंदर होते हैं 10^-9 मीटर। तो इस कार्बन टेक्नोलॉजी की मदद से, इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, सपोज करो कि हम किसी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये सब हैं कैंसर सेल्स, और इसकी सराउंडिंग में हैं सभी हेल्दी सेल्स, ये कुछ कैंसर सेल्स हैं और इसकी सराउंडिंग में हैं हेल्दी सेल्स। तो जो नॉर्मल कीमोथेरेपी होती है, उसके अंदर जब ड्रग इंजेक्ट की जाती है, तो इन कैंसर सेल्स के साथ में जितने भी हेल्दी सेल्स हैं आसपास इसकी सराउंडिंग में, तो उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है, इन सभी की भी डेथ हो जाती है। लेकिन हम अगर कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज करेंगे,
तो हम दवाई को इंजेक्ट कर सकते हैं सीधा सीधा टारगेट मॉलिक्यूल्स पे। तो यहाँ पे कोलेटरल डैमेज समझ रहे हो, कोलेटरल डैमेज होता है कि अगर किसी आतंकवादी के साथ किसी इनोसेंट की भी डेथ हो जाए तो वो है कोलेटरल डैमेज। ओके, आपको पकड़ना है आतंकवादी, आपने पूरा घर उड़ा दिया, तो जो घर की कॉस्ट है वो डैमेज हो गया, तो वो सब कोलेटरल डैमेज है। तो यहाँ पे कोलेटरल डैमेज कम हो जाता है, आप सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को, स्पेसिफिक सेल को, जो कैंसर सेल्स हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं और वहां पे दवाई इंजेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कार्बन नैनो ट्यूब्स को हम यूज कर सकते हैं एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजन्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, दे कैन बी मेड इन टू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। क्या इसका इस्तेमाल करके हम आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर एनसीबीआई की हम साइट देखेंगे, नेशनल काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो उन्होंने दिया हुआ है कि इसका स्कोप है आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बनाने में। ओके, इसका स्कोप है आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बनाने में, तो स्टेटमेंट टू यहाँ पर सही है। फिर तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज है, तो बायोकेमिकल सेंसर्स बनाने में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। फिर चौथी स्टेटमेंट है, कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या ये बायोडिग्रेडेबल हैं? क्या ये बायोडिग्रेडेबल हैं? हमने जो रिसर्च किया, हमने पाया कि साइंस डायरेक्ट साइट पे दे रखा है कि ये बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। ओके, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। तो इसका आंसर है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये क्वेश्चन भी टफ क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड सोर्सेज से नहीं है। तो एक चीज आपको मिल रही है साइंस डायरेक्ट डॉट कॉम की साइट पे, एक चीज हमको पता चल रही है एनसीबीआई से, नेशनल काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो ये ओवरऑल एक टफ क्वेश्चन है और इसमें भी तुक्केबाजी का कोई स्कोप नहीं है। तो सभी बच्चों प्लीज इस सेशन को लाइक कर दो, इस सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को जिन्होंने भी यूपीएससी एग्जाम दिया है, ठीक है, उन सबको शेयर कर दो। और मेरी प्रोफाइल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मुझे वहां पे फॉलो करो, मेरे सभी कोर्सेज की आपकी आपको टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसके अंदर बात हुई है कोल ऐश की। जब कोयले को हम बर्न करते हैं उसके अंदर ऐश का एक कॉन्टेंट होता है, बर्न करने के बाद जो बचेगा वो है कोल ऐश, और ये बोल रहे हैं कि कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक लेड एंड मरकरी। तो स्टेटमेंट एकदम सही है, कोल ऐश के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट ये काफी इजी है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स दे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली के अंदर जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स थे, उनको लास्ट ईयर बंद कर दिया गया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको शटडाउन कर दिया गया था, क्योंकि वो बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। तो जब दिल्ली का स्मॉग होता है, अभी दिल्ली के अंदर होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे होता है, तो उस टाइम के लिए थर्मल पावर प्लांट्स दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे, क्योंकि ये रिलीज करते हैं बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो दूसरी स्टेटमेंट ये एक ईजी स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट सही है। तो जहां पे भी ऑप्शन टू होगा वो ही करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे एलिमिनेशन, कुछ जो ऑप्शन है उनकी फ्रेमिंग इस तरीके से होती है कि एलिमिनेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये सेकंड स्टेटमेंट इजी है, सभी सीरियस एस्पिरेंट को ये पता होनी चाहिए, तो हमारे दो ऑप्शन इसकी वजह से एलिमिनेट हो गए। ओके, और पहला भी, कोल ऐश के अंदर आर्सेनिक लेड और मरकरी प्रेजेंट होता है, जिसको ये पता है तो वो करेक्ट आंसर तक अपने आप पहुंच जाएगा। और तीसरे स्टेटमेंट भी काफी कॉमन है कि इंडियन कोल के अंदर ऐश कॉन्टेंट ज्यादा होता है, और यही रीजन है कि इंडिया कोल को इंपोर्ट भी करता है, क्योंकि इंडियन कोल की क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है और हमको कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन ओवरऑल एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबको सही करना चाहिए, ये एक इजी क्वेश्चन आया है। और ये ओवरलैपिंग भी है एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। इस क्वेश्चन को हम तीनों में ही कंसिडर कर सकते हैं, तीनों के अंदर ही ये पढ़ाया जाता है। ओके, ज्योग्राफी के अंदर जब हम कोल की बात करते हैं वहां भी ये डिस्कशन होता है, और जब हम पॉल्यूशन पढ़ते हैं एनवायरमेंट के अंदर तो वहां भी इसका डिस्कशन आता है, और साइंस एंड टेक का भी ये पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे पावर प्लांट्स और पोल्यूटेंट्स का जिक्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अ पार्टिकुलर, ये प्योरली एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से रिलेटेड। तो इफ अ पार्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया।
इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी इसको कल्टीवेट करने के लिए, इस तरह के प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि भैया कोई भी सर्कमस्टांसेस हो जाएं, किसी भी सर्कमस्टांस में आप इन स्पीशीज को ग्रो नहीं कर सकते हैं, कल्टीवेट नहीं कर सकते। और बाकी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल्स हैं, ये स्टैंडर्ड किताबों के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है, शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 6 के अंदर, शेड्यूल 1 से शेड्यूल 5 तक सभी के अंदर एनिमल्स रखे गए हैं, और शेड्यूल 6 के अंदर कुछ प्लांट्स रखे गए हैं, और उन प्लांट्स को हम कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो शेड्यूल 6 के प्लांट्स हैं उनको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज समझनी होगी, जो भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, ठीक है, एक ऑफिसर होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन स्पेशल केस के लिए परमिट दे सकता है। स्पेशल केस के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो कि किसी को रिसर्च करनी है इन प्लांट्स पे, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं मोस्टली और एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, तो इन प्लांट्स के ऊपर अगर किसी को रिसर्च करनी है या हमको कोई मेडिसिन डेवलप करनी है, तो उसके लिए हम क्या तब भी इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते? हम कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन हमको परमिट लेना पड़ेगा और हमारा पर्पस बताना पड़ेगा कि हम इसको कल्टीवेट क्यों करना चाह रहे हैं। और सेकंड स्टेटमेंट को हम इसलिए डिसरिगार्ड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब कर ही नहीं सकते। नहीं भाई, कुछ केसेस में हम कर सकते हैं कि अगर हम उसको यूज कर रहे हैं किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए, हमको रिसर्च करनी है, तो हमको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिट दे सकता है रेगुलेटेड यूज के लिए। ठीक है, किसके लिए? रेगुलेटेड यूज, इसका यूज होगा रेगुलेटेड। हम कमर्शियली इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते या अपने लिए इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते, हमको पर्पस बताना पड़ेगा कि हम किस लिए कल्टीवेट कर रहे हैं, तो परमिट के अंदर हम इसको बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स के अंदर इनमें से कौन कौन से रॉ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनसे बायोफ्यूल्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखना होगा कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, अखबारों में भी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स थी, तो ये क्वेश्चन जो एक सीरियस एस्पिरेंट है उसको कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कसावा की। कसावा एक तरह से शकरकंद टाइप का एक रूट होती है, शकरकंद टाइप की, तो कसावा नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल के अंदर मेंशनड है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल कहती है कि हम जो जो भी डैमेज ग्रेन्स हैं, चाहे वो चावल हैं, गेहूं हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर वहाँ पे रोटन पोटैटो, सड़े हुए आलूओं की भी बात हुई है, और शुगर बीट की भी नेशनल पॉलिसी बात करती है। अब दो चीज़ ऐसी हैं, ग्राउंड नट सीड्स और हॉर्स ग्राम। तो वैसे एक जनरल स्टेटमेंट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अंदर है कि हम जो भी अनफिट फॉर ईटिंग फूड है, ठीक है, फूड ग्रेन्स, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे सवाल इस पे आके अटक जाएगा कि ग्राउंड नट सीड्स और हॉर्स ग्राम क्या हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अंदर, ठीक है, ये बात समझना। ग्राउंड नट सीड्स और हॉर्स ग्राम ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के अंदर मेंशन नहीं है। और ये क्वेश्चन ईजी इसलिए है क्योंकि ये स्टैंडर्ड सोर्सेज से आया है, करंट अफेयर्स के अंदर ये बहुत था, और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सभी ने इसके बारे में मटेरियल प्रोवाइड किया है और अखबारों के अंदर भी रहा है, तो ये इजी क्वेश्चन है। तीन और चार को हम अगर एलिमिनेट कर देंगे, कि तीन और चार को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास ऑप्शन बचेगा ऑप्शन ए, 1, 2, 5 और 6, तीन और चार हम एलिमिनेट कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी जो जिसकी तैयारी अच्छी है उसको ये क्वेश्चन कर देना चाहिए, लेकिन हम इस क्वेश्चन को ईजी नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा यार पूरा ड्राफ्ट थोड़े पड़ेगा, थोड़े हम कॉन्सेप्ट में जाएंगे कि बायोफ्यूल्स क्या हैं, तो उस सबको हम तैयार करते हैं, तो इतना ध्यान नहीं देंगे कि अंदर ड्राफ्ट के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक जो फूड मटेरियल हैं उस वहाँ पे क्या क्या मेंशन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. तो फिर इट इज अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द, अब ऑप्शन दिए हुए हैं सारे. मॉनेटरी वैल्यू मतलब जब हम पैसों में उसकी वैल्यू देखेंगे कि पैसों में क्या वैल्यू है. अब थोड़ा सा हम सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की बात करते हैं. अगर सपोज करो आप एक साल में एक टन CO2 एमिट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट से एक टन CO2 आप एमिट कर रहे हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, तो उस प्रोजेक्ट के कुछ फायदे होंगे, कुछ उसके फायदे होंगे और कुछ उसके नुकसान होंगे, कुछ प्रोज होंगे कुछ कॉन्स होंगे. अब फायदे क्या हो सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के, देखो तो जनता को मिलेगी नौकरी, यहाँ से जॉब मिलेगी, ठीक है, लोगों के घर में खाना आएगा और इकोनॉमी इससे बेटर होगी, GDP भी इससे इंक्रीज हो जाएगी. तो इस सबको हम पैसे की वैल्यू में अगर नाप के देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा कि हमको इतना फायदा होने वाला है पैसों के टर्म्स में. फिर हम इसके नुकसान देख सकते हैं, एक तरह से हम बैलेंस शीट इसकी बना रहे हैं, सारे प्रोज एंड कॉन्स मेजर कर रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. अब कॉन्स में क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, इसकी वजह से कार्बन एमिशन होंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा, ठीक है, हमको रेस्पिरेटरी डिजीज होंगे, तो उस सब को भी मॉनेटरी वैल्यू के अंदर मतलब पैसों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि उसकी कॉस्ट क्या है. फिर हम इसको मिला के देखेंगे कि हमको ओवरऑल नफा हुआ या नुकसान हुआ. तो यहाँ पे अल्टीमेटली यही चीज है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. अब यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ोगे तो बाकी सारे ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, कि क्लाइमेट रिफ्यूजी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, और इंडिविजुअल पर्सन का जो कार्बन फुटप्रिंट में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी ये बिल्कुल नहीं है. तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन ये एक ईजी क्वेश्चन है. लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई अ टन ऑफ CO2 एमिशन विद इन अ गिवन ईयर. तो यही बेस्ट, ठीक है, यही बेस्ट ऑप्शन है इसका और यही इसका करेक्ट आंसर है. तो ये क्वेश्चन भी ईजी टू मॉडरेट है. ओके बच्चों, सेशन को लाइक और शेयर करना है दबा के. तो जो भी आपके दोस्तों ने पेपर दिया है आप उन तक इसको पहुंचाइए, और आप मेरे कोड का यूज कर सकते हैं राजा, ठीक है. डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है, आप मुझे वहाँ मेरे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं और मेरे सभी कोर्सेज की आपको जानकारी मिलती रहेगी. आप मेरे कोड का यूज करेंगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक क्रॉप को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, इसके अंदर क्रॉप को डिस्क्राइब किया और क्या कहा गया है कि भैया ये क्रॉप है सब ट्रॉपिकल, दिस क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर और अ हार्ड फ्रोस्ट इज इंजीरियस टू इट. ठीक है, कोहरा और पाला जो है, पाला बेसिकली इस क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंजीरियस है, और इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रोस्ट फ्री डेज की इसको रिक्वायरमेंट है. मतलब इन दिनों के अंदर पाला नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इस फसल को काफी ज्यादा नुकसान होता है. ओके, और बारिश की इसको रिक्वायरमेंट है 50 से 100 सेंटीमीटर तक, 50 से 100 सेंटीमीटर तक की इसको बारिश की रिक्वायरमेंट है, और इसको रिक्वायरमेंट है एक वेल ड्रेन्ड सॉइल की जो मॉइस्चर को रिटेन कर सके. ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मॉइस्चर को रिटेन कर सके. और बारिश कितनी हो रही है, 50 से 100 सेंटीमीटर. तो इन्होंने क्रॉप पूछी है कौन सी क्रॉप होगी. अब ये क्वेश्चन भी सर इजी क्वेश्चन है. अगर हम बात करें टी की, टी को भी ज्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है 150 सेंटीमीटर तक, और टी होती है स्लोप्स पे, ठीक है, माउंटेन के स्लोप्स पे टी को हम उगाते हैं. तो यहाँ पे मॉइस्चर रिटेंशन इतना ज्यादा नहीं होता, वेल ड्रेन सॉइल तो है लेकिन रेनफॉल अमाउंट भी ज्यादा है, तो टी को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, बात आई शुगर केन की, तो शुगर केन को भी ज्यादा बारिश की रिक्वायरमेंट है 150 सेंटीमीटर तक, तो शुगर केन को भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं. फिर बात करें जूट को, जूट को तो बहुत ही ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है 200 सेंटीमीटर तक, तो जूट को भी यहाँ से इजीली एलिमिनेट कर देंगे. कॉटन को ही रिक्वायरमेंट है 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश की, और कॉटन होती है ब्लैक सॉइल के अंदर गुजरात की. ओके, थोड़ा सा राजस्थान वाला पोर्शन, महाराष्ट्र में होती है कॉटन, और जहाँ पे रेनफॉल का अमाउंट है 50 से 100 सेंटीमीटर. और पाला फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा हानिकारक होता है कॉटन के लिए. ये एक ईजी सवाल था, ठीक है, ईजी क्वेश्चन आया है ज्योग्राफी से. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो काफी एकदम से ऑफ बीट क्वेश्चन पूछा UPSC ने. सोलर वाटर पंप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये कह रहे हैं कि सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर द सबमर्सिबल पंप. सबमर्सिबल पंप वो होते हैं जो हम बोरिंग करके जमीन के अंदर डालते हैं. तो सोलर, ये कह रहे हैं कि सोलर पावर को हम यूज कर सकते हैं सरफेस पंप के लिए, लेकिन सबमर्सिबल पंप्स के लिए यूज नहीं करेंगे. ये स्टेटमेंट सर गलत है. ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि सोलर पावर बेसिकली वो सिर्फ एनर्जी है, और उससे एनर्जी से हम कुछ भी चला सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं उससे हम वो रन कर सकते हैं.
प्रोवाइडेड कि हम कितनी एनर्जी उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बड़ा पैनल लगा लेंगे तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, और उससे फिर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टेटमेंट टू को हम देखते हैं, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड द वंस एंड नॉट द वंस विद पिस्टन। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि सोलर पावर से आप केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप को चला सकते हैं और पिस्टन वाले पंप नहीं चलाएंगे। अब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन से होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर ठीक है एक फैन इसमें रोटेट करता है, एक मोटर टाइप की होती है, और दूसरा जो पिस्टन वाले पंप है जैसे हमारा नलका होता है, नलके के अंदर एक पिस्टन होती है और वो पुश एंड पुल मूवमेंट से एक सक्शन क्रिएट करके पानी को ऊपर खींचते हैं। तो दोनों ही, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो कोई से भी आप चला सकते हैं सोलर पावर का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पे इसका आंसर है नाइदर वन नाइदर टू। तो ये क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा उसमें होपलेस हो सकते हैं कि यार सोलर वाटर पंप से कौन क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, बच्चों को चौंकाना यूपीएससी का काम है। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विद रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर। ये ओशियन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब ओशियन मीन टेम्परेचर, सबसे पहले आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। ओशियन मीन टेम्परेचर कलेक्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च, इट कैन बी यूज्ड इन एक्सेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन अ सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि ओशियन मीन टेम्परेचर का यूज करके हम रेनफॉल का अमाउंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं मानसून के टाइम पे। अब देखो अभी तक जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता था, अगर ये समुद्र है ठीक है, ये सी लेवल है और ये है लैंड, तो अभी तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो सी सरफेस टेम्परेचर SST ठीक है सी सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि प्रेशर लेवल क्या है अभी ओशन के ऊपर, सी सरफेस टेम्परेचर कितना है, और सी सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो पहले हम सी सरफेस टेम्परेचर को प्रेडिक्ट कर रहे थे और इस टेम्परेचर से अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और रेनफॉल की प्रेडिक्शन होती थी, लेकिन सी सरफेस टेम्परेचर को मेजर करने के साथ नुकसान क्या क्या है, जो ओशन सरफेस है ये डेली इफेक्ट से काफी ज्यादा, डेली इफेक्ट जो भी एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा सी सरफेस टेम्परेचर पे। अगर रेनफॉल हो रही है तो सी सरफेस टेम्परेचर चेंज होगा, विंड के ब्लो करने से भी ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो उसके बाद से अब साइंटिस्ट क्या सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ओशन की एक लेयर का टेम्परेचर लें, एक लेयर का टेम्परेचर लें, सिर्फ सरफेस लेयर का ना लें, तो जो नीचे की एक थिकनेस की लेयर है इसके टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर एक आइसोथर्म है 26 डिग्री आइसोथर्म, मतलब वो एक इमेजिनरी लाइन होगी जिसपे टेम्परेचर हमेशा रहता है 26 डिग्री का, और वो सीजन के साथ ये लाइन वेरी भी करेगी ठीक है ना, करनी भी चाहिए। तो जो 26 डिग्री का आइसोथर्म है ठीक है, ओशियन की लेयर के अंदर जो टॉप लेयर है उसके अंदर एक 26 डिग्री का आइसोथर्म होगा और वो सीजन के साथ वेरी करेगा। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ओशियन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म विच इज 129 मीटर्स। तो सर ये एक फिक्स नंबर तो नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है, और वैसे भी हम ये मेजर करते हैं 50 से 100 मीटर की लेयर, तो 50 से 100 मीटर की लेयर में ये आइसोथर्म वेरी करता है। ओके, इसका एक फिक्स नंबर नहीं हो सकता, सीजनली ये वेरी करेगा ही करेगा, तो स्टेटमेंट वन गलत है और स्टेटमेंट टू सही है। तो ये क्वेश्चन भी ओवरऑल एक टफ क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे जो टर्म आ गई 26 डिग्री आइसोथर्म, तो ओवरऑल इसको टफ क्वेश्चन ही रेट किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विद रेफरेंस टू द इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, ये राजस्थान के अंदर है, डेजर्ट नेशनल पार्क इज इन राजस्थान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट। अभी बोल रहे हैं इट इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पूरा नेशनल पार्क है, जैसलमेर और एक और डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर शायद। और सेकंड स्टेटमेंट है कि देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। अभी इस स्टेटमेंट को छोड़ते हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं उसके अंदर किसी भी तरह के हैबिटेशन नहीं हो सकते ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अंदर ये नेशनल पार्क बने हैं, और उसके अकॉर्डिंग नेशनल पार्क के अंदर कोई भी हैबिटेशन अलाउड नहीं है। अभी इस स्टेटमेंट को छोड़ दो, थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पिछले कुछ सालों से न्यूज़ के अंदर रहती ही रहती है, और ये डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर मिलती है। इस स्टेटमेंट आसान है, वन और टू
103 डेफिनेटली सही है। तो 103 जिसमें है अभी हम उनको देखते हैं, ये वाला ऑप्शन बचा और ये बचा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब सेकंड स्टेटमेंट बोले देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। तो यहाँ पे अब कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ जो ट्राइब्स हैं डेजर्ट नेशनल पार्क के वो पार्क के अंदर अलाउड हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है इसके अंदर कोई भी हैबिटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन जो एब ओरिजिनल ट्राइब्स हैं उनको अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, उनको एक तरह से देखा जाए तो अलाउ किया जा सकता है, लेकिन वहां से कुछ प्रोड्यूस लाने के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाने के लिए अलाउ किया जा सकता है कोर एरिया के अंदर, लेकिन हैबिटेशन वहां पे अलाउड नहीं होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे हिसाब से वो 1 और 3 है। अब कुछ इंस्टीट्यूट इसका आंसर देंगे 1, 2 और 3 भी, लेकिन जो नेशनल पार्क है नेशनल पार्क की कोर एरिया के अंदर कोई भी हैबिटेशन अलाउड नहीं है। अगर हम इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन देखें क्या बफर एरिया के अंदर अलाउड है, तो बफर एरिया के अंदर आसपास वाले एरिया में फिर भी हो सकता है। अगर जेनरिक जो स्टेटमेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो वहां पे यही मेंशन है कि उसके अंदर हैबिटेशंस अलाउड नहीं होते हैं, नेशनल पार्क के अंदर हैबिटेशन अलाउड नहीं होते हैं। अब ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन क्या है। सियाचिन ग्लेशियर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है और मैप के अंदर ठीक है एटलस के अंदर हम सजेस्ट करते हैं कि जो भी चीज न्यूज में है आपको डेली देखनी है, तो ईस्ट ऑफ अक्साई चीन बिल्कुल भी नहीं है, आप चले जाएंगे चाइना के अंदर। ईस्ट ऑफ लेह ये ऑप्शन भी गलत है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट ये पूरा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला गिलगिट बल्तिस्तान वाला एरिया है, तो उधर भी सियाचिन ग्लेशियर नहीं है। तो ये है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली जो इसका करेक्ट आंसर है। ये एक इजी क्वेश्चन है और जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उसको ये पता होना चाहिए, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर ये बहुत न्यूज के अंदर रहता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये है फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं कि जेट स्ट्रीम्स दे अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। तो सर ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो गई कि जेट स्ट्रीम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो जेट स्ट्रीम पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जेट स्ट्रीम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, ऐसा नहीं है। जेट स्ट्रीम बेसिकली ये ब्लो करती है अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हम जो प्लेनेटरी विंड्स ड्रॉ करते हैं, इस तरह से प्रेशर बेल्ट बनाते हैं और प्लेनेटरी विंड्स हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ओके, ये हो गए हमारी ईस्टरलीज, ये प्लेनेटरी विंड्स हैं, ये है लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में। ऐसी जेट स्ट्रीम्स हमारी होती हैं अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इस वाले फिगर के अंदर है लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर और इस फिगर के अंदर हम अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जेट स्ट्रीम ब्लो करती है अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स, और ये दोनों हेमिस्फीयर के अंदर ही ब्लो करती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स हमारी ब्लो करती हैं दोनों हेमिस्फीयर के अंदर ही। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम ये पढ़ते हैं और पहली स्टेटमेंट ईजी थी, हमने आसानी से एलिमिनेट कर दी। तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट किया तो 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, अब बचे हमारे पास 2। अब इन दोनों के अंदर ऑप्शन 2 आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। तो इसके अंदर पहला तो था कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऑप्शन 1 इसमें गलत हो गया था। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत हो गया था, और ऑप्शन 2 यहाँ पे कह रहा है कि जो फिनोमिना ऑफ आई है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर एक आई बनती है। तो स्टेटमेंट 2 थी कि आई जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही साइक्लोन्स के अंदर बनती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। टेम्परेट साइक्लोन्स के अंदर, हर किसी साइक्लोन के अंदर आई नहीं बनती, कुछ साइक्लोन्स ऐसे हैं जिसके अंदर आई नहीं बनती, और इसी बारे में स्टेटमेंट 2 थी। और स्टेटमेंट 3 थी कि जो आई का टेम्परेचर है, आई का टेम्परेचर होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से 10 डिग्री कम, वो स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 3 थी कि आई का टेम्परेचर सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कम होता है। साइक्लोन की एक आई होती है जिसके दो प्रेशर एरिया, बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर एरिया होता है जिसके तरफ विंड्स सर्कुलेट करती है। ओके, इसके चारों तरफ विंड्स सर्कुलेट करती है, तो आई के अंदर टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होता है सराउंडिंग एरिया से,
और स्टेटमेंट दे रखी थी कि टेम्परेचर कम है सराउंडिंग एरिया से, तो स्टेटमेंट थ्री यहाँ पे गलत है और इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जिसके अंदर है टू ओनली, सिर्फ ऑप्शन टू ही करेक्ट है। पता नहीं क्वेश्चन कैसे गायब हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो टाइगर रिजर्व्स हमारी जो है, टाइगर रिजर्व्स बनाई गई हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और टाइगर रिजर्व्स, ये दोनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई हैं 2006 में। और टाइगर रिजर्व्स बनाई गई हैं कोर बफर स्ट्रेटजी पे, कोर बफर स्ट्रेटजी, और कोर एरिया है हमारे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया या फिर टाइगर इनवायोलेट एरिया, टाइगर इनवायोलेट एरिया। तो जब हम टाइगर रिजर्व्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व पढ़ाते हैं जो कि है नागार्जुन सागर श्री सैलम। तो इसका जो एरिया है वो 3000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर्स है और ये सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व है इंडिया की, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्री सैलम। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर भी तुक्केबाजी नहीं चल सकती, ठीक है, यहाँ पे तुक्केबाजी का कोई स्कोप नहीं है, या तो आपको आंसर पता है या फिर आपको आंसर नहीं पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट दे आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अभी इस स्टेटमेंट को छोड़ दो, ठीक है, कौन यार इतनी सारी फिगर्स याद रखता है, तो इतनी सारी फिगर्स कोई भी याद नहीं रखता, लेकिन अगर किसी की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है तो बहुत सारा डाटा रिटेन करके रख सकता है, तो उसको इस तरह के क्वेश्चंस में एडवांटेज होता है, लेकिन इस तरह की फिगर्स कोई भी याद नहीं रखता। यूपीएससी की तैयारी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो हमें याद करनी होती है मेंस के लिए खासतौर से। अब सेकंड स्टेटमेंट है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सीरियस एस्पिरेंट को ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये कौन से एक्ट से बनी है। अब ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनी है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो अब देखते हैं टू किस किस के अंदर है, टू है सिर्फ दो ऑप्शन के अंदर। अब हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है, वन वन ओनली और वन एंड थ्री। तो यहीं से हमें पता लग गया कि स्टेटमेंट वन तो हमारी अपने आप ही एलिमिनेट होगी, स्टेटमेंट वन हमारी गलत थी। अब देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरीगेशन। तो ये ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये कॉमन फैक्ट है, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट एरिया है जो ग्राउंड वाटर इरीगेशन के अंदर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया टू एंड थ्री, ठीक है, तीसरा फैक्ट एकदम सही है। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन की फ्रेमिंग ऐसे है कि ये इजी मॉडरेट क्वेश्चन, ओके, और थोड़ा बहुत आप तिकड़मबाजी करके इसके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, भले ही हमको पहली स्टेटमेंट पता हो या ना पता हो, तो ये क्वेश्चन इजी मॉडरेट हो गया ऑप्शंस की फ्रेमिंग की वजह से। तो ये हमने टोटल डिस्कस किए हैं 30 क्वेश्चन, और ये 30 के 30 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ये 30 के 30 क्वेश्चन है हमारे एनवायरमेंट प्लस ज्योग्राफी प्लस साइंस एंड टेक, ठीक है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक से मिला के हमारे इतने क्वेश्चन आए। 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए साइंस एंड टेक के, और 16 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एनवायरमेंट प्लस ज्योग्राफी से, और यहाँ पे हमने अभी एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं किया। अगर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लें, एग्रीकल्चर के जो अलग से क्वेश्चन आए हैं अच्छे खासे, तो 10-12 क्वेश्चन और वो सब यहाँ पे इंक्लूड होंगे, तो कुल मिला के 42 से 44 सवाल, ठीक है, 42 से 44 सवाल हमारे एनवायरमेंट ज्योग्राफी एग्रीकल्चर प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस सबको मिला के आए हैं। अब देखो 42 से 44 सवाल तो यहीं से आ गए, और 16-17 सवाल आए हैं पॉलिटी से, और लगभग इतने ही सवाल आए हैं इकोनॉमी से, ठीक है, और बचे हुए सवाल आए हैं हिस्ट्री से, तो पूरा पेपर ये कंप्लीट हो गया। तो हम ना तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इग्नोर कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, एनवायरमेंट को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा खासा पेपर यहाँ से आता है, और बाकी इतना ही पेपर मिला के आया है कि पॉलिटी और इकोनॉमी से मिला के भी कुछ इतना ही पेपर आया है, तो इक्वल ही वेटेज है एनवायरमेंट साइंस एंड टेक का, ठीक है, एज कम्पेयर टू पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। तो हमें अपनी तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव रखनी है, पेपर वो कभी भी किसी भी जगह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी जगह से क्वेश्चन कम कर सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा अपनी तैयारी को कंप्लीट रखना है, ओके। तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मिला के 42-44 सवाल सिर्फ इस सेक्शन से आ रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स को नहीं निकाल सकते अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, क्या एनवायरमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, आप साइंस एंड टेक को इग्नोर कर रहे हैं, तो सर आप फंस जाएंगे,
ओके और इकोनॉमी से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, और पॉलिटी से क्वेश्चन हर साल वेरी करते हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री, ठीक है। तो प्रीलिम्स पे अगर फोकस करना है तो अपने कोर सब्जेक्ट पे सबसे पहले फोकस करो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और अपना मजबूत करो, फिर फोकस इकोनॉमी पे भी करना है, और आपको साइंस टेक एनवायरनमेंट ये आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनली यूपीएससी ध्यान देती है एलिमिनेशन पे, उसका फोकस ज्यादा है एलिमिनेशन करने पे, और वो जान जान के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग इसी तरीके से करती है। तो मेरा कोर्स आ रहा है अनअकैडमी पर, ठीक है, अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये कोड सभी बच्चों को ध्यान रखना है, राजा RAJA, आप इसका यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये मैं आपकी कराऊंगा, और जो क्वेश्चंस जो भी कुछ हम क्लास के अंदर कवर करेंगे उससे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम कल फिर से मिलेंगे सुबह 9 बजे, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट की क्लास होती है मेरी सुबह 9 बजे। तो गाइस टेक केयर, गुड बाय।